नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, दुनिया नजरे गाड़ कर देख रही है। कॉलम निगार है मोहम्मद मेहदी और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org। रियासती उमूर में मुस्तकिल मिजाजी, तहम्मुल और मामला फहमी कामयाबी की कलीद है, जबकि गैर मुस्तकिल मिजाजी, जज्बाती रवैया या सिर्फ अल्फाज से खेलना, जैसे साइफर से खेला गया, नाकामी का रास्ता है। अब जिसका जी चाहे कामयाबी का सफर इख्तियार कर ले और जो चाहे नाकामी को अपना मुकद्दर ठहरा ले, ये फलसफा सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं, रियासती मामलात में हर साहिब इख्तियार पर इसका इतलाक होता है। और जब कभी इस हवाले से कोई कजी, कोई खामी रह जाती है तो उसके जिम्मेदार उस वक्त के तमाम अरबाब होते हैं। तमीदी गुफ्तगू का शान नजूल ये है कि चंद रोज पहले सुबह अभी नाश्ता भी नहीं किया था कि एक मगरबी सफारतकार दोस्त की कॉल आ गई। वो कुछ अरसा पहले तक वतन अजीज में तायुनात थे और अब अपने मुल्क के दफ्तर खारजा में जनूबी एशिया के मामलात से मुंसलिक हैं। जब हाल ही में पाकिस्तान ने ये दुरुस्त फैसला किया कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को उनके ममालिक वापस भेजा जाए और ला मुहाला उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत अफगान गैर कानूनी मुकीम अफराद की है, तो इस पर बड़ी ले दे शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से ये मौकिफ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जैसे नासूर के बार बार पनपने की बड़ी वजह अफगान शहरियों का पाकिस्तान में गैर कानूनी कयाम है, इसलिए पाकिस्तान मजबूर है कि इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाए। तो उस वक्त भी मेरी इन दोस्त की कॉल आई थी, इसी इकदाम के हवाले से गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा था कि अफगानिस्तान की जानिब से हर दर्जा गैर जिम्मेदारी का रवैया इख्तियार करने के बाद पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो इस इकदाम के अलावा कोई दूसरा लाहे अमल तैयार करता। और जो आपके मुल्क में इन दहशत गर्द अनासिर के नजरियाती हामी हैं, जो मौका मिलने पर उनके शाना बशाना मुसल्ला भी हो जाते हैं, उनके हवाले से क्या पॉलिसी होगी? उनको उनकी सरगर्मियों से रोका जाएगा या आने वाले आम इंतखाबात में उनके हिस्सा लेने पर कोई कदगन होगी या ये हसबे साबिक दन दनाते फिरेंगे? इन तमाम तहफ़ुज़ात पर इन पर ये वाज़े किया था कि पाकिस्तान की मुक्तदरा और सियासी क़यादत इस हवाले से मुकम्मल यकसू है कि अब पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हर खतरे से आज़ाद करवाना है और इस हवाले से अब कोई दोहरा मयार इख्तियार नहीं किया जा सकता कि किसी को शिकार कर लिया जाए और किसी को शिकार करने का खुला मौका फराहम कर दिया जाए। ये तयशुदा हिकमत अमली है। एस्टैब्लिशमेंट के अलावा मुतवक्के हुक्मरान जमात के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दहशत गर्दी के खिलाफ अपने अदवारे हुकूमत में इस हद तक मुतहरिक रहे थे कि इन अनासिर की वजह से वो और उनका खानदान दहशत गर्दी के शदीद खतरात का सामना करते रहे। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो तो उनकी सफाकियत का निशाना बन गए, इसलिए मुल्क में किसी सियासी तब्दीली के बावजूद इस हवाले से किसी नरमी का सिरे से कोई इम्कान नहीं। इस पुर यकीन फिक्रे पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हो गया था। अब जो दोबारा इनकी कॉल आई तो बोले कि आपसे की गई कुछ अरसा पहले की गुफ्तगू के तनाजुर में आपको चंद तस्वीर, जो आपके मीडिया की भी जीनत बनी, इरसाल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इन अनासिर की गुज़िश्ता कुछ अरसे की अवामी गुफ्तगू के वीडियो क्लिप्स भी हैं, जरा देख लीजिएगा। मैसेज देखा तो मुख्तलिफ ऐसे अशखास की सियासी जमातों में शामिल होने की तस्वीर थी जिनके मुतालिक सब जानते हैं कि वो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता रहे और अब भी उनके हकीकी रहबर वही लोग हैं। उन्हीं लोगों के क्लिप सुने तो वो सब कुछ उसमें शामिल था जिसका अशरे अशीर भी अब काबिले बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मुल्क की आला तरीन सियासी क़यादत को इसका नोटिस लेना चाहिए कि कहीं एक दो नशिस्तों के हुसूल के लिए अपनी और मुमलिकत की साख ही दाव पर ना लग जाए और दुनिया ये महसूस करे कि गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी बस एक दिखावा ही है। 9 मई को जो हुआ उसकी तकलीफ हद दर्जा है, मगर इन अफराद ने 9 मई से बरसों पहले GHQ पर हमले से लेकर फौजी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों समेत अनगिनत आम शहरियों को शहीद कर दिया, उसकी तकलीफ क्यों महसूस नहीं की जा रही? रियासत और सियासत गैर मुस्तकिल मिजाजी या जज्बातियत से नहीं चल सकती। पीर जियाउल हक नक्शबंदी ने
सुहेल बड़ाइच की जिंदगी पर 13 साल की अर्कलेजी के बाद सुहेल बड़ाइच कहानी किताब कलम बंद की। उस किताब में जज्बातियत के हवाले से सुहेल बड़ाइच ने हजरत कायद आजम का एक वाकया नकल किया है। एक दफा कायद आजम से मौलाना भाषानी की मुलाकात हुई। उस वक्त मौलाना भाषानी जवान थे और कायद आजम बूढ़े। उस वक्त वहाँ मिस्टर अस्फहानी भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मौलाना भाषानी मिलकर गए तो मैंने कायद आजम से पूछा, इस बंदे में बड़ी एनर्जी है, हमें इसे मुस्लिम लीग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कायद आजम ने कहा कि नहीं, ये एक जज्बाती इंसान है, सियासत के लिए ये लोग ठीक नहीं। फिर तारीख ने देखा कि उसी मौलाना भाषानी की सीमाब तबीयत ने सियासत को कैसा नुकसान पहुंचाया। अगर हमने आइंदा इंतखाबात में दहशतगर्द ज़हनियत रखने वाले अनासिर को बर्दाश्त किया, सहूलत कारी की, तो हमारा शुमार भी तारीख मौलाना भाषानी की मानिंद ही करेगी। मगर हमारा मसला जज्बातियत से ज्यादा आकबत ना अंदेशी होगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।